basically discussing the sexual assault evidence collection kit. पिछले बहुत सारे सालों में जो है ये प्रॉब्लम आती रही है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स थे उनकी जो रेलिवेंट स्पेसिमेंट्स थे कलेक्ट करने, उनके जो प्रॉपर स्वॉप्स जाने होते थे टू PFSA, उसको जो आपकी मेडिकल लीगल फैसिलिटी है वहाँ से PFSA तक पहुँचाना, PFSA इज पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, वहाँ तक लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा एविडेंस जो था वो टेम्पर होता था और उसकी वजह से प्रॉपर जो अलेज्ड असॉल्टर्स थे उनको पकड़ना, उनको प्रॉपर जो उनकी एक सजा बनती है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की कोर्ट, उस हिसाब से चीज़ें जो थी वो बहुत मुश्किल हो जाती थी करनी, जिस बेस्ड ऑन द फैक्ट कि प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन नहीं होती थी और एविडेंस कलेक्शन जो होती थी वो उतनी क्वालिटी की नहीं होती थी कि आप किसी भी अलेज्ड जो एक सॉर्ट करने वाला है उसको आप पकड़ सकें, जस्ट ऑन द बेसिस कि आपका एविडेंस जो था वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं किया गया, प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया गया, और जो एविडेंस कलेक्ट किया भी गया वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद किया गया और जब तक वो डाइट फैसिलिटी तक आपके पहुंचा तब तक वो जो था अपनी वर्क्स जो था वो लूज कर चुका हुआ था, ठीक है। सो इन द लास्ट लाइक 5 years सिंस द क्रिएशन ऑफ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी और स्पेसिफिकली जो ये ZNF केस आया था कसूर के अंदर, उसके बाद से PFSA ने एक प्रॉपर सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट जो है वो डिज़ाइन की और ये असॉल्ट किट जो है वो आपको जितने भी टर्शरी के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर मेडिकल लीगल सेटअप है उन तमाम जगहों के ऊपर आपको ये बासानी दस्तयाब है, ना सिर्फ आपके टर्शरी केयर के अंदर बल्कि अगर आप वर्ड्स पेरिफ्री मूव करते हैं वहाँ पर भी जो आपके जहाँ जहाँ पर भी आपका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन हो रहा है सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स का, वहाँ उन तमाम जगहों के ऊपर ये किट जो है वो पहुँचा दी गई है। आप सब लोगों के लिए ये किट देखनी इसलिए ज़रूरी है मेरे नज़दीक बिकॉज आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल वुड बी थिंकिंग ऑफ ऑप्टिंग फोरेंसिक मेडिसिन एज अ प्रॉपर करियर, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्पेसिफिकली जब से ये शर्त आई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की कि आपको अगर आप एज गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर जो है वो सिलेक्ट होते हो तो आपको 2 साल मिनिमम जो है वो आपको पेरिफ्री करना पड़ता है आपको, और जब आप पेरिफ्री में आप लोग जाते हैं तो 3rd year के बाद कोई आपकी प्रॉपर फोरेंसिक की ट्रेनिंग नहीं होती एंड मोस्ट ऑफ द मेडिकल ऑफिसर्स रादर ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स दे आर आस्क्ड टू परफॉर्म ऑटोप्सीज एंड कंडक्ट मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो होती हैं वो सामने आती हैं और बहुत ज़्यादा एविडेंस लूज होता है और कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि जिनके ऊपर इंक्वायरीज बाद में कॉल ऑन होती हैं और फिर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप लोग भी इसको ज़रूर देखो ताकि आप लोगों को थोड़ी सी से एक फेमिलियरिटी हो उससे कि ये चीज़ है क्या, इसको यूज़ कैसे करते हैं, और अगर इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो वी विल डेफिनेटली मेक यू गाइस सी दिस एविडेंस किट इन रियल एज वेल। सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट जो होती है, ठीक है, इसको आपके सेटअप में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, दिस इज डन बाय द PFSA और इसकी जो आप तक पहुंचना होता है वो जिम्मेदारी होती है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की या MS ऑफ द हॉस्पिटल की, ठीक है। जब आप तक ये किट आती है तो बिफोर ओपनिंग दिस किट आपने मेक श्योर करना होता है कि ये प्रॉपरली प्लास्टिक में सील्ड है, बंद है, ये इसी जगह से वो सील जो है वो टूटी नहीं हुई, प्लास्टिक टूटा नहीं हुआ, तो आपके पास ये बॉक्स की शक्ल में आती है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। आपको मेक श्योर किट इज सील्ड प्रॉपरली, पैक्ड है ये प्लास्टिक में, अगर किसी भी जगह से आपका जो सील है या आपका बॉक्स जो है इस किट का अगर ये टेम्पर्ड होता है तो यू मस्ट रिटर्न इट बैक टू योर MS, आगे उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस PFSA भेजे, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा,
उन चीजों की एक्सपायरी डेट्स आपने इस्तेमाल करने से पहले देख लेनी है। अगर वो चीजें एक्सपायर्ड हैं और ना काबिले इस्तेमाल है, तो आप रिटर्न दोज कंटेंट्स बैक टू डीएफएसए, आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और तीसरी सबसे अहम चीज इस्तेमाल करने से पहले वो ये है कि इस किट के अंदर एक चेकलिस्ट दी जाती है आपको। उस चेकलिस्ट को आपने जो है वो देखना होता है हर एक चीज को, कि उस चेकलिस्ट के अंदर लिखा होता है कि इस किट के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। अगर उन चीजों में से कोई भी चीज आपकी मिसिंग हो या आपको लगे कि ये चीज जिस तरह से होनी चाहिए वैसे है नहीं, आपको जरा सा भी शुबा हो, तो यू कैन रिटर्न द कंप्लीट किट टू डीएफएसए विदाउट यूजिंग इट, एंड यू आल्सो हैव टू स्टेट द रीजन व्हाई यू आर रिटर्निंग दिस किट टू द डीएफएसए, ठीक है। दिस किट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मॉडल बाहर के ममालिक के अंदर टेप किट्स के नाम से जो है ये चीज इस्तेमाल होती है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के जो लोग होते हैं, फॉरेंसिक्स के जो लोग होते हैं, मेडिक्स जो कि काम करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, वहां पर ये चीज जो है वो काफी अर्से से इस्तेमाल हो रही है, और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर भी दिस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द डीएफएसए। इसके कंटेंट्स में अगर आप आ जाए, तो सबसे पहले आपके इसके अंदर लेटेक्स ग्लव्स मौजूद होते हैं, उनकी पैकिंग किस तरह होती है, ये उस ग्लव का जो है वो साइज लिखा गया है, ये 8 नंबर का ग्लव है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स, और आपने कोई भी जो किट के कॉन्टेंट्स हैं, किट के कॉन्टेंट्स जब आप यूज कर रहे हैं, किसी को भी आपने अनग्लव्ड हाथ से आपने जो है वो नहीं उठाना, बिकॉज उसकी वजह ये भी होती है, एक तो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, दूसरा ये होता है कि आप एविडेंस टेम्पर कर देंगे, हो सकता है कि आपके प्रिंट्स या आपके जो हाथों से कोई ऐसी चीज जो है वो सैंपल्स के अंदर चली जाए, जो कि अल्टीमेटली बाद में आपको जो है वो साबित करनी होगी शायद आप जो है वो अलेज्ड असॉल्ट किया आपने। दिस इज द डेब्रिस एविडेंस कलेक्शन किट, डेब्री किट स्पेशली शीट कह लें इसको, या डेब्री एविडेंस कलेक्शन शीट कह लें इसको। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास कोई विक्टिम आता है सेक्सुअल असॉल्ट का, तो आप उसको एक वाइट शीट के ऊपर जो है वो खड़ा होने को कहते हैं, और उसको कहते हैं कि इस वाइट शीट के ऊपर खड़े होकर अपने जो क्लोथिंग है, अंडरवेयर है, उसको रिमूव करें। उसका मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ क्लोथिंग में से या अंडरवेयर में से जो भी चीज़ गिरती है, वो फर्श पर गिरने की बजाय इस शीट के ऊपर गिरे, ताकि आपके लिए जो एविडेंस इकट्ठा करना है वो ईजी हो आपके लिए। ये पैरों के निशान बनाए गए हैं, यहाँ पर जो विक्टिम है उससे कहा जाता है कि अपने दोनों पैर जो है वो रखे यहाँ पर, और अपने जो अनड्रेसिंग है वो इस शीट के ऊपर खड़े होकर। तीसरी सबसे अहम चीज जो इस तरह के केसेस के अंदर बहुत ज्यादा अहम होती है, दैट दे आर द नेल स्क्रैपिंग्स, ठीक है। बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि अलेज्ड जो विक्टिम होता है सेक्सुअल असॉल्ट का, ही ट्राइज और शी ट्राइज टू डिफेंड देमसेल्व्स, और उसमें ये होता है कि हाथों का इस्तेमाल होता है और नाखूनों का इस्तेमाल होता है, और उस दौरान जो है वो जो आपका परपेट्रेटर है उसके नेक के ऊपर, उसके फेस के ऊपर, उसके स्किन के ऊपर मल्टीपल जो होते हैं वो डिफेंस इंजरीज जो होती हैं वो उसके फेस के ऊपर आती हैं। इस दौरान जो स्किन होती है सॉल्ट करने वाले की, वो विक्टिम के नेल्स के नीचे जो है वो जमा हो जाती है, ठीक है। उस स्क्रैपिंग को जो है वो लिया जाता है और इन एनवेलप्स के अंदर जो है वो डाल देते हैं, इनको सील करके जो है फिर आप भेज देते हो DFS, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखो तो आपको पेशेंट नेम, उसकी FIR का केस नंबर, उसका मेडिको लीगल केस नंबर, डेट एंड टाइम, और आपका जो भी बंदा कलेक्ट कर रहा है, दिस इज स्पेसिफिकली इट हैज टू बी द मेडिको लीगल ऑफिसर, उसके इनिशियल्स और उसके साइन, ये हर एनवेलप के ऊपर बहुत जरूरी है। कलेक्ट करने के बाद आपने इन एनवेलप्स को जो है वो सील करना होता है, उसकी एक प्रॉपर सील जो है वो आपको आगे मैं दिखाता हूँ। This is a comb, this is a plastic comb. ये भी जो है इस किट के अंदर मौजूद होती है। अगर आप लोगों को याद हो, sexual assault victim का जो examination होता है, उसके अंदर जो pubic hair होते हैं, उसके अंदर कहा जाता है कि आपने ये comb जो है वो आपने फेरनी है, ताकि उसके अंदर से कोई भी आपको dried material, preferably अगर आपको कोई
सीमन स्टेन्स या कोई ऐसी चीज आपको मिलती है तो वो आप इस कोम से जो है वो पुल आउट कर लेते हैं. सो दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन साइड दिस किट. स्टीराइल कॉटन स्वैब्स होती हैं इसके अंदर. ये कल्चर स्वैब जिसको आम जबान में कहा जाता है ये यूज होती है. ये बेसिकली इसका कॉटन टिप होता है. आप ये रेड वाले हिस्से से इसको बाहर निकालते हैं और जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा वेट स्टेन है या कोई ऐसा वेट मटेरियल है जो कि फॉरेन है एंड दैट इज नॉट यूजुअल सिक्रीशन, या फिर अगर कोई फीमेल है तो वल्वा से जो सिक्रीशन आती हैं, वजाइना से जो सिक्रीशन आती हैं, उनको आप इस स्टीराइल कॉटन स्वैब के जरिए जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं. इसका असूल जो इस्तेमाल का होता है वो ये होता है कि जब आपने स्वैब ले लिया आपने तो यू हैव टू मेक श्योर कि स्वैब जो है वो एयर ड्राई हो. एयर ड्राई करने के बाद आपने इसको वापस इस प्लास्टिक के इसकी केसिंग में जो है वो वापस आपने तब डालना. अगर वेट होगा तो वेट होने से उसके ऊपर फंगल ग्रोथ के चांसेस हैं, उसके ऊपर क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं. और वैसे भी जब तक ये कल्चर स्वैब्स जो होते हैं ये पीएफएस तक पहुंचते हैं बाय द टाइम उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई फंगल ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है. इसके ऊपर भी नेम ऑफ द पेशेंट, ठीक है, एमएलसी आपने नंबर जो है वो डालना होता है, आपके अपने इनिशियल्स जो है वो इसके ऊपर होने चाहिए. ये कंप्लीट कर लेने के बाद आपने उस स्वैब को जो है इन बॉक्सेस के अंदर डाल देना है, ठीक है. अगर आप देखो तो इनके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये वजाइनल स्वैब के लिए है, ठीक है, इसको बॉडी एरिया स्वैब. अगर आपको ऐसा फील हो कि बॉडी के ऊपर कोई टीथ मार्क्स हैं और आपने वहां से सलाइवा ऑब्टेन करना है जिसको सेक ऑफ गेटिंग डीएनए, तो आप इसी स्टीराइल स्वैब को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन उसमें आपको जो है बॉडी एरिया के लिए आपको थोड़ा सा ये स्वैब जो है वो वेट करना पड़ता है. आपको रेक्टल स्वैब्स के लिए लेदर से आपके पास ये मौजूद है, और वंस अगेन बॉडी सरफेस एरिया के लिए भी ये लेदर से मैंने बॉक्स दिया हुआ है. जस्ट मेक श्योर कि जो स्वैब जिस चीज के लिए आपने यूज किया है वो उसी रिस्पेक्टिव बॉक्स के अंदर जो है वो जा रही हो, और इन बॉक्सेस को भी आपने बंद करने के बाद आपने सील करना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आ गई वो सील्स जिनका मैं जिक्र कर रहा था. ये बेसिकली स्टिकर के जैसे होती हैं. ये छह है यहाँ पे, सॉरी हाँ छह है यहाँ पर ये, और इनको आप उतार के इसके नीचे एडहेसिव होता है. जो भी आपने चीज सील करनी है, एनवेलप है या किट को अगर आपने दोबारा सील बैक करना है तो उसको बंद करके आपने ये सील इस तरह से लगानी है कि अगर ये सील जरा सी भी टेम्पर हुई हो तो पीएफएसए या जो भी आपका, बल्कि पीएफएसए ही आपका रिस्पेक्टिव केमिकल एनालिसिस का लैब है, वहां पर अगर ये टेम्पर्ड सील की शक्ल में पहुंचता है तो इसका मतलब है कि एविडेंस जो है वो टेम्पर्ड है. सो यू हैव टू यूज दिस. ये टोटल इस किट के अंदर जो है वो तकरीबन 21 के करीब जो होती है ये स्टिकर सील्स जो आपको मिल जाती है. यहाँ पर सिर्फ 6 दिखाई गई है लेकिन जो किट के अंदर होती है तकरीबन 21 के करीब. ये आपके वुडन टंग डिप्रेसर्स आ जाते हैं, ठीक है. ये टंग डिप्रेशर के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूज नहीं होता. दिस इज यूज फॉर कलेक्टिंग नेल्स क्लिपिंग्स, ठीक है. जो आपका विक्टिम है उसके नाखूनों के नीचे आप इसको फेरते हैं एंड यू ऑब्टेन द नेल स्क्रैपिंग्स. अच्छा, नेल स्क्रैपिंग्स के अलावा अगर आपको लगे कि फिंगर नेल का साइज छोटा है तो आप नेल क्लिप भी कर सकते हैं. उस नेल क्लिपिंग के लिए आप वो नेल क्लिपर जो है वो इस किट में खैर प्रोवाइडेड नहीं होता, लेकिन आप बाहर से भी जो है वो नेल क्लिपर जो है वो यूज कर सकते हैं. बट मेक श्योर इट इज स्टेराइल और उसको दोबारा से इस्तेमाल ना किया गया हो. स्मेयर सैंपल स्लाइड्स, ठीक है. ये दो स्लाइड्स हैं इस इन पैकेट्स के अंदर, ठीक है. स्लाइड ये वो टिपिकल जो एक आम स्लाइड होती है जो आप लोग पैकेट वगैरह में यूज करते हो, ठीक है. आप स्मेयर लेकर उसके ऊपर जो आपका कॉटन स्वैब है स्मेयर को लेकर आप इस स्लाइड के ऊपर जो है वो आप डाल देते हैं और इस स्लाइड को फिर आप ड्राई करते हैं. ड्राई करने के बाद आप इसको इस बॉक्स में डालकर इसको प्रॉपर सील करते हैं. FIR और MLC नंबर जो है वो आप देते हैं, यहाँ पर आप अपने साइन करते हैं. अगर आप थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे आपको नजर भी आएगा कि नोट क्लोज स्लाइड होल्डर विद रबर बैंड और क्लियर टेप, ठीक है. और साथ ही आपने इसको जो है वो सील भी कर देना है. याद रखिएगा ये तमाम चीजें जो इस किट के अंदर यूज हो रही हैं ये कार्डबोर्ड या पेपर की बनी हुई हैं, कपड़े की कोई भी चीज इस पूरी किट के अंदर जो है वो नहीं है. ये मुख्तलिफ एनवेलप्स हैं, ठीक है.
इस एनवलप के ऊपर यहाँ पे आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्वांटम लिखा हुआ है। अगर आपको विक्टम के पास से जो है वो यूज्ड क्वांटम जो है वो मिल जाता है, तो यू हैव टू एयर ड्राई दैट, यू हैव टू पुट इट इन दिस एनवलप, यू हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स, जो आपका विक्टम का नाम है, उसका एमएससी, एफआईआर, केस नंबर है, डेट एंड टाइम, यू हैव टू साइन इट, यू हैव टू सील दिस एनवलप, देन यू हैव टू सेंड इट टू पीएफएसएल, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके पास ये स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन ग्लव्स जो आप यूज कर रहे हैं, आपका जब प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया एग्जामिनेशन का, यू हैव टू ड्राई देम, यू हैव टू पुट देम बैक इनटू दिस स्पेसिफिक एनवेलप। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको भेजनी तो पड़ती हैं, लेकिन उनके पास उनके लिए आपका कोई डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक एनवेलप नहीं होता, तो उस मकसद के लिए आप ये एनवेलप यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर सिंपल पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लिखा हुआ है, या फिर इस तरह ये एनवेलप है जो कि एक डेजिग्नेटेड एनवेलप नहीं है, आप इसके अंदर कोई भी चीज और वापस भेज सकते हैं पीएमएसए को, जो कि आप समझते हैं कि जरूरी है एज एन एविडेंस। अच्छा, दिस इज क्लोथिंग बैग, ठीक है, ये भी पेपर का बना होता है, थोड़ा ये हार्ड होता है, रफ होता है, ब्राउनिश सा पेपर होता है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि जो हम कहते हैं ना कि जी जो विक्टिम के जो कपड़े हैं, उसका जो अंडरवेयर एट द टाइम ऑफ असॉल्ट था, वो आपने उनको एयर ड्राई करके, डोंट सेंड द वेट क्लोथिंग, एयर ड्राई करके आपने उनको इसके अंदर आपने डालकर इसको प्रॉपर सील करना होता है, ठीक है। और अगर आप ये देखो यहाँ पर एविडेंस ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपने फिल करनी होती है कि इसके अंदर है क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल उसकी शर्ट है, ट्राउजर है, ठीक है, अंडरवेयर है, वेस्ट है, ठीक है, कोई भी चीज है वो आपने सारी यहाँ पर मेंशन करनी होती है, अपना नाम, अपना टाइम, डेट, ठीक है, और आपने उसके बाद ये दी किसको है, ठीक है। आप जितना भी एविडेंस होता है वो आप यूजुअली पुलिस वालों को हैंड ओवर करते हैं और एएसआई को आप हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, आपने उनका नाम, उनका बेल्ट नंबर, ठीक है, वो सारा कुछ आपने, कॉन्स्टेबल नंबर, आपने सब कुछ यहाँ पर जो है वो मेंशन करना होता है। दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ दिस बैग, इसके ऊपर लिखा हुआ सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट, ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज एन एम्प्यूल ऑफ स्टीराइल वाटर, ठीक है, ये भी दिया होता है, ये इसके चांसेस होते हैं कि ये एक्सपायर्ड हो, ठीक है, या ये खुला हुआ हो, या ये टेम्पर हो गया हो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द किट जो है, इसके अंदर कोई ना कोई इशू आ गया हो, मेक श्योर दैट यू चेक दिस थिंग फर्स्ट, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करो। ये जो होता है कि मैंने जैसे कहा था कि आपने अगर बॉडी स्वैब लेना है, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया स्वैब लेना है, और वहां पर चूंकि वो ड्राई एरिया है तो आपने थोड़ा सा उसको वेट करके जो है वो स्वैब लेना होता है, जो आप वेट करते हो ना वो आप आम सादे पानी से या नलके वाले पानी से नहीं करोगे, इस स्टीराइल वाटर से आप करते हो, ठीक है। दिस इज एन एडहेसिव टेप, ठीक है, ये सिंपली आपके जो एनवलप्स होते हैं उसको सील करने के काम आती है, ठीक है, जो बॉक्सेस हैं उसको सील करने के काम आती है, और ये भी जो है वो किट के अंदर ही प्रोवाइडेड होती है, जैसे ये स्वाब के आपके बॉक्सेस हैं, ठीक है, आपके ये स्लाइड वाले बॉक्सेस हैं, आपके एनवेलप्स हैं, ठीक है, इनको सील करने के काम आती है, ये बंद करने के काम, ठीक है। दैट इज इट विद कंटेंट्स एंड थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन। एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके अंदर, जो ये है कि अगर आप इस किट के ऊपर देखो तो ये बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर ये ऊपर वाले हिस्से में दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक के ऊपर वाला और एक के नीचे वाला, ठीक है, आपने जो है वो ये वाला फिल करना है, जब आप मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपने लिखनी है, पेशेंट की एज, किस हॉस्पिटल में, किस शहर में आप हैं, एमएलसी नंबर वगैरह, क्या डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक हो गया, और अपना नाम, ठीक है, अपना साइन आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके साथ जो होगा कोई और बंदा भी होता है, उसका नेम और साइन आपने, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये आपने खुद फिल करना होता है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू, दैट शैल बी फिल्ड बाय द डेसिग्नेटेड पुलिस पर्सनल, जो भी एएसआई वगैरह जो है वो आता है इसको लेने के लिए, वो इसको सारे को फिल करेगा, ठीक है।
स्वैप्स आ गई, बॉक्सेस आ गए, स्टिकर सील्स आ गई, सैंपल स्लाइड्स आ गई, कोटिंग बैग आ गया, स्टीराइल वाटर कैन्यूल आ गया, एडहेसिव टेप आ गई आपकी। अच्छा, ये जो आपका फॉर्म है, दिस इज रिलेटेड टू द सैंपल्स दैट यू सेंड। दिस इज स्लाइटली ऑफ टॉपिक, लेकिन ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा ये नजर आ रहा हो क्लियरली, तो ये फॉर्म जो है आपका, दिस इज ऑल्सो डिजाइंड बाय द पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपने सैंपल्स भेजने किस तरह से हैं और कौन सा सैंपल आपने किस तरह से भेजना होता है, ठीक है। ब्लड अगर आप लेते हो, अच्छा ये जो ऊपर वाले पोर्शन है, ठीक है, ब्लड, यूरिन और गैस्ट्रिक लिवाज, ये आपके मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके स्पेसिफिक्स आपने भिजवाने हैं पीएफएस से, ठीक है, ये वो ऐसा है, ठीक हो गया। पीएफएस से याद रखिएगा, इट्स वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सैंपल्स दैट यू सेंड टू देम, ठीक है। और अगर आप उसको प्रॉपरली पूरा जो उसका प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए अगर आप भेजते हैं, और अगर आप जो रिक्वायर्ड सैंपल है डेजिग्नेटेड चीज के लिए आप अगर भेजते हो, तो वो एक्सेप्ट होता है। इररेलेवेंट सैम्पलिंग कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर अगर आप उसको प्रिजर्वेटिव में या जो भी उसका प्रोटोकॉल उसको फॉलो नहीं करोगे, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर आपको वापस सैंपल भेज देते हैं और जो आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट आना होता है, जो आपने केस पर अपना ओपिनियन देना होता है, जो टॉक्सिकोलॉजी को बेस्ड होता है, वो लेट हो जाता है, ठीक है। एमएलसी में जो तीन चीजें आप भेजते हो, वो ज्यादातर ब्लड, यूरिन और गैस्ट्रिक के बाद जाता है। ब्लड जो होता है has to be sent 10 ml, ठीक है, ये MLC की बात कर रहा हूँ, 10 ml और सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट, ये प्रिजर्वेटिव आप जो है उसमें ऐड करते हो और आप सेंड करते हो, ठीक है। यूरिन एज इट इज 20 टू 50 ml जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लिबाज जो होता है उसको भी आप अनडाइल्यूटेड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव जो है वो आप भेज देते हैं, लेकिन इट हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ 20 मिलीलीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सस्पिशन है कि इसने कोई इंजेक्शन ऐसी की है किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की और आपको उसमें टॉक्सिकोलॉजी में उसका रिजल्ट चाहिए, ये आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 10 ml ब्लड विद सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है। यूरिन आपका विदाउट प्रिजर्वेटिव 20 टू 50 ml और गैस्ट्रिक लिवाज विदाउट प्रिजर्वेटिव जाता है आपका मिनिमम ऑफ 20 ml। अच्छा, और टॉक्सी केसेस, ठीक है, वहां पर अगर आपने टॉक्सिकोलॉजी एस्टैब्लिश में देखना है कि इसको क्या दिया गया, उसके अंदर जो ब्लड है उसकी अमाउंट आप ज्यादा ले लेते हो, दैट इज 50 टू 100 ml प्रिजर्वेटिव सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट होली वाले जो आप एमएलसी के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। यूरिन जो होता है जितना आपको मिल जाए विदाउट प्रिजर्वेटिव भेजते हो, स्टमक कॉन्टेंट्स, ठीक है, जितने भी आपको मिल जाए आपको विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव वो भी आप, ठीक है। लिवर का जो सैंपल होता है इट हैज टू बी 100 ग्राम्स कम से कम, ठीक है, 100 ग्राम से ऊपर ना हो, ठीक है। उसको आप सैचुरेटेड सेल लाइन के अंदर जो है वो आपने पीएफएस सेंड करना होता है। याद रखिएगा कि ये तमाम जो है वो प्लास्टिक जार्स के अंदर जाती हैं, दे आर सील्ड प्रॉपरली, ठीक है, अलोंग विद द नेम, एमएलसी नंबर और जो आपका चेन ऑफ कस्टडी देखने के लिए जिस केएसआई को आपने हैंड ओवर किए चीजें उसके भी साइन और इनिशियल्स आपको चाहिए होते हैं। स्क्रीन अगर आप भेजते हैं तो शुड नॉट बी मोर देन 100 ग्राम्स, ठीक है, और साथ में आप उसको सेलाइन के अंदर, सैचुरेटेड सेलाइन के अंदर आप उसको प्रिजर्व करके भेजते हैं, ठीक है। हेयर सैंपल्स के लिए जो होते हैं वो सिर्फ कुछ पॉइजन जैसे होते हैं जिनके अंदर आप हेयर सैंपल्स भेजते हो, ठीक है, जितने भी आपको वो एक छोटा सा एक क्लस्टर आप लेके भेज दो, कुच्छा सा जो होता है, ठीक है, और कोशिश करें कि स्कैल्प से जितना करीब आप उसको खींच सकते हैं उसको आप उसको उतार लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सस्पिशन है इसने अल्कोहल लिया है, ठीक है, तो आपको इस फॉर्म के ऊपर जो है वो पिक करना पड़ता है आपको, ठीक है। बाकी भी इसके अंदर जो है वो चीजें आपको दी गई है, लेकिन यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सैंपल्स जो आपने भिजवाने होते हैं और इस प्रिजर्वेटिव में इस तरह से आपने भिजवाने होते हैं, या एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसमें आपको ये चीज़ जो है मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस